तो सारा वो कौन सा है सर सामने in a cabinet room with one or two cabinet people. After all, every in Janakpur. And the Nepalese said absolutely nothing doing. For two reasons. But at that time, the price of oil was $27 to the barrel. Never bought or would sell a single barrel of oil. मुझको तो लगता है कि जबकि दुनिया में ग्लोबलाइजेशन नहीं हुई थी, विश्वकरण नहीं हुआ था, तो तब भारत के जो मीडिया है वो विश्व के मामलों में ज़्यादा दिलचस्पी लेती थी, और अब जबकि विश्वकरण हो रहा है तो भारत की मीडिया विदेशी मामलों में तकरीबन कोई दिलचस्पी नहीं लेती है. नेपाल के बारे में या भूटान के बारे में, श्रीलंका के बारे में क्या हमारे अखबारों में है? पड़ोसी देश हैं, अंदर जो हो रहा है पाकिस्तान में उसके बारे में कुछ आप लिखते हो क्या? देखिए, ग्लोबलाइजेशन तो एक हकीकत है, और अब न्यूज़पेपर्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी उसके मुताबिक चलेगी. लेकिन सबसे बड़ा जो तकलीफ हो रही है, और जो आई होप दिस विल हाईलाइट, कि जो शहरों में या बड़ी बड़ी खबरें होती वो हो जाती है, लेकिन जो आवाम को चाहिए या उनको गाइड करने के लिए चाहिए क्या हो रहा है, और अच्छा भी हो रहा है, कुछ बुरा भी है. बड़े अदब के साथ मैं कह रही हूँ, जो बुरा होता वो ज़्यादा उसको स्पेस विजुअल में भी और रिटन में भी मिलती है. तो हमें, मेरा ख़्याल है, इस पर थोड़ी सी डिस्कशंस होनी चाहिए. देखिए, मीडिया का दौर तो हमेशा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये मीडिया इन दिनों, इन द टर्निंग ऑफ द 21st सेंचुरी, ये बड़े कैपिटलिस्ट लोगों का एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है. ये कमज़ोर लोगों की आवाज़ नहीं, बड़ों कैपिटलिस्ट मजबूत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन की आवाज़ है. गरीबों को इंसाफ की आवाज़ नहीं बनती, बल्कि दबंग की आवाज़ बन जाती है. ग्लोबलाइजिंग का जो मेन पर्पस था कि दुनिया की तरक्की में गरीब भी साथ हों और वो गरीब भी आगे बढ़ें, उनकी आवाज़ दब जाती है, उन लोगों की आवाज़ बढ़ती है जहां करोड़ों से करोड़ से खेलते हैं. मीडिया इन आवर ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड किताब के इजरा के मौका पर तमाम ही मुकर्ररीन ने जहां मीडिया के कामों की तारीफ की, वहीं दूसरी जानिब तमाम ही मुकर्ररीन ने मीडिया के काम पर सवाल या निशान भी खड़ा किया. कैमरा पर्सन अंकित के साथ अंजर उल्ला, मुंसिफ टीवी, दिल्ली.